इसके बाद जो बात की जा रही है वो जेंडर प्रिजुडिस की है 3.1 में। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई जो ये प्रिजुडिस है, स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन है, ये तीनों क्या है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है ना, रुकावट है, एक ये सबसे बड़ा रुकावट है जेंडर इक्वालिटी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने की कोशिश ऑथर यही कह रहा है कि ये तीनों क्या करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को सही से लागू नहीं होने देते या पूरा नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन ये है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं कि जैसे गर्ल है, वुमेन है, इनके लिए क्या है कि ये एक अलग ही मतलब है, ख़तरा ही है एक तरीके से, ठीक है। ख़तरा इस प्रकार से है कि भाई जब भी ये समान अवसर नहीं मिलता है, किसको नहीं मिलता है, गर्ल्स को नहीं मिलता है, ठीक है ना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उनको, डेवलपमेंट जो भी है, ये सब चीज़ें उनके मतलब ये जो धारणाएं हैं रूढ़िवादी या पक्षपात या भेदभाव है, इसके कारण उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो कि घर में अभी भी, ठीक है ना, कहते हैं कि भाई लड़कियां बाहर जाके नहीं जॉब करेगी, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मतलब लड़कियों को रोकती है। अब जेंडर स्टीरियोटाइप आर द पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीफ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीफ होते हैं, ठीक है ना, जो मैन और वुमेन दोनों के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है, ऐसे है कि ये जो है ना, ये एक ऐसी भावना है जो हम क्या करते हैं कि मैन और वुमेन दोनों के लिए रखते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक के लिए नहीं रखते हैं, ये दोनों के लिए रखते हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव भावनाएं होती हैं हमारी, ठीक है। अब वुमेंस के लिए भले ही ज़्यादा हो, ठीक है ना, और वुमेंस को इस वुमेंस का जो है तो वुमेंस को झेलना पड़ता है मतलब इसके वजह से, ठीक है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस क्या करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनते हैं, ठीक है। ये जो पक्षपात है और रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनते हैं जेंडर प्रिजुडिस, और ख़ासकर वुमेंस के लिए, ठीक है। एक मतलब वुमेंस को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, ठीक है ना, और उनको कुछ कोई भी चीज़ हो उनको रोका टोका जाता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है, ये बिलीफ है, एटीट्यूड है, एक्शन है, ठीक है ना, और ये अनफेवरेबल किसके लिए है सबसे ज़्यादा, ये वुमेंस के लिए अनफेवरेबल है, मतलब उनके पक्ष में नहीं है, उनके विपक्ष में काम करती है ये तीनों, ठीक है ना। तो प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स के कारण ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसा हो सकता है कि हर वुमेन, जितने भी वुमेन हैं, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें, लेकिन अधिकतर वुमेन ये एक्सपीरियंस करती है। और ये अलग अलग कब होता है, ये कास्ट के बिहाव पे अलग हो सकता है, जेंडर के बिहाव पे अलग, मतलब रेस के बिहाव पे अलग हो सकता है, और क्या कहते हैं रिलीजन के बिहाव पे अलग अलग हो सकता है, हर क्लास और जो भी है इन सब के प्रति अलग अलग हो सकता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेंस के साथ जो होता है, जिसको दबाया जाता है वुमेंस को, वो अलग अलग हो जाए, जो एक्सपीरियंस करती है वुमेन वो हर समाज में, हर रिलीजन में अलग अलग होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मेनली यही बता रखा है कि प्रिजुडिस, जेंडर प्रिजुडिस क्या होता है। तो हमने ये समझ में आया हमको कि जेंडर प्रिजुडिस आखिर है क्या, कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेंस के साथ, ठीक है ना, ये क्या करता है कि एक मतलब जेंडर इक्वालिटी को लागू करने में ये बाधा बनता है, और ये ख़तरा किसके लिए, वुमेंस के लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि उनको कोई भी काम काज करने में रोका टोका जाता है, और ठीक है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, वुमेंस और मैन स्किल वैसे तो दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर अफेक्ट जो करता है ये वुमेंस को करता है, ठीक है। और अभी के टाइम पे तो थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, अभी तो उतना नहीं है, पर थोड़ा सा पहले अगर देखें हम तो इसमें बहुत ज़्यादा था ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट है जिसने इस पे काम किया, और उन्होंने ये बता रखा है हमें, ठीक है।
तो क्या क्या होता है एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो सर हमारे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बहुत सारी जो मतलब जो भी होती है प्रिजुडिस है जो समाज में, वो अलग अलग चीज़ों के कारण होती है, जैसे जेंडर के मतलब कास्ट, क्लास, रेस और इन सब में जो भी है, इन सब के कारण होती है, अलग अलग है। अब जैसे मान लेते हैं कि हिंदू समाज में, ठीक है ना, हिंदू समाज का ही लेके चलते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारी जो अभी भी है, वैसे तो नॉर्मल है लेकिन अभी उतना नहीं है, अनटचेबिलिटी। आपने नाम सब मतलब सबने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, छुआछूत के बारे में सबने सुना होगा। तो ये क्या है कि समाज में एक मतलब बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये आज तक इतनी गहराई से बैठा हुआ है कि आज तक ये मतलब ख़त्म नहीं हो पाया है। तो सर इसी चीज़ के बारे में बताते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि एक निश्चित जो ग्रुप है या पीपल है उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि झेलना पड़ता है, ठीक है ना, उनको नौकरी नहीं मिलती है या उनको हीन भावना से देखा जाता है, ठीक है, उनको अलग ही रूप में मतलब वो कहते हैं कि भाई ये अलग ही है, ये जो भी है उनको लाइक नहीं करते हैं, उनको डिसलाइक करते हैं लोग, और ठीक है उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते, कॉमनली जो ये सारी चीज़ें होती है। तो हम क्या इसमें सर ने यही बता रखा है कि ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन होती है इनके साथ। तो यहाँ पे सर ने यही सब चीज़ें बता रखी, जैसे जाति हमारे पास चार वर्ण होते थे हिंदू में, ठीक है ना, और उसमें उनके अनुसार उनको जो श्रेणी में बांटा गया था, ठीक है ना, स्टेजेस में जिनको बांटा गया था और उसके अनुसार उनको बताया गया था भाई ये है वो है। तो ये मेनली क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही उत्पीड़न का कारण बनते हैं, किनके लिए, वुमेंस के लिए ज़्यादा उत्पीड़न का कारण बनते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट साइकोलॉजी जेंडर इज़ द अर्लीस्ट एंड, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जेंडर क्या है कि सबसे पहला जो है ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है आइडेंटिटी का टू फॉर्म एंड टू बी इंटरनलाइज। तो जो सबसे पहला जो है भेदभाव का जो भी है मतलब कि इसको आइडेंटिटी देने का, वो जेंडर क्या है सबसे पहला है साइकोलॉजी के अनुसार, अगर डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो कि किसी व्यक्ति को एक आइडेंटिटी देना है तो वो जेंडर सबसे पहला है जिसने आइडेंटिटी दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि समय के अनुसार इसमें बहुत ज़्यादा वो होने लगा और जेंडर के से भेदभाव शुरू हो गया, और अलग अलग जो भी है महिलाएं हैं जो उनके कास्ट और इस सब पे डिपेंड करता था, तो यही सर ने यहाँ पे बता रखा है जो भी है। तो हमें इतना ही इसमें समझना है, और बाकी जो है स्टोरी के फॉर्मेट में अगर पास होना है तो आप लिख सकते हो, बाकी अगर आप और पढ़ना चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखना इसमें मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। हाँ ये है कि आप शुरुआत के जो 10-12 पॉइंट है जो मैंने बोला उसी टाइप से पॉइंट बना सकते हो, ठीक है।